Hi, this is Khushbu, founder of Sidewalk Cafe Mumbai, and welcome to my sweet little place. What coffee I'm brewing? I'm using our house blend, which is Take Me Home by Sidewalk Cafe. It's a medium dark roast. I like it that way, and I like to keep things simple. So I'm planning to make a cappuccino with this machine for the rescue. Let's try. So when I'm in Sidewalk Cafe, I drink almost 2 to 3 cups of coffee. I start my morning with an espresso shot, as I like to try the coffee before serving it to the guest. Then in the afternoon and evenings, it's all about coffee. When I'm on set, I drink twice. When I'm home, I don't drink coffee. For an actress, actor, entire film industry, acting industry, coffee is very important. We almost shoot for 13 to 15 hours a day. So coffee is the most important drink, I think. Coffee, chai, caffeine is really very, very important. That's instant coffee for sure, without sugar always. So I start my morning with bullet coffee, like coffee with coconut milk for some healthy fundas, and evenings with black simple coffee. Oh, favorites तो काफी सारे हैं. हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है. But most memorable, I can say, जब कैफे का काम चल रहा था and everything was dust everywhere, furniture and everything. तो the day when the signboard was placed, like Sidewalk Cafe signage, and it was switched on. Oh my God, that was such an overwhelming moment for me. I was just standing out there and looking at the signage, and it was actually the dream come true moment. Yes, of course, we go on coffee dates. It started with a coffee date actually. So, but the kahani mein twist is he doesn't like coffee. Sangram doesn't like coffee. Memorable experience with my partner. Oh God, it is little bit funny actually. Kaafi saalon pehle jab maine और संग्राम ने डेट करना शुरू किया था, वी वर जस्ट ट्राइंग टू नो इच अदर. मुझे पता था कि वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, सोशल है, ही लव्स नाइट लाइफ, एंड एट द सेम टाइम आई वॉज वेरी शाई इंट्रोवर्ट. फ्यू फ्रेंड्स आई हैड, और नाइट लाइफ तो कुछ पता ही नहीं थी. मुंबई में इतने साल रहते भी आई नेवर एन्जॉयड द नाइट लाइफ एज सच. तो एक रात अचानक जब मैं और मेरी रूममेट सो रही थी, संग्राम केम नियर आर बिल्डिंग और उसने बोला कि चलो कहीं घूमने जाते हैं रात को 1 बजे. शुरू में हमने थोड़ा हाना किया, एंड देन वी वेंट आउट विथ हिम. ही वॉज प्लानिंग टू टेक अस टू बैंड स्टैंड, लाइक इट्स अ मोस्ट रोमांटिक प्लेस इन मुंबई, एंड इन द इवनिंग्स नाइट्स इट्स वेरी ब्यूटिफुल. तो आई हैड बटरफ्लाइज इन माई स्टमक कि वाओ, वी आर गोइंग ऑन अ रोमांटिक डेट, एंड आई हैड माई फ्रेंड विथ मी. शी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि वाओ, क्या पार्टनर मिला है, रोमांटिक डेट्स एंड ऑल. तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि चलो जाते हैं, देखते हैं कहाँ लेके जा रहा है. सो जैसे बैंड स्टैंड पर जाना शुरू हुआ, हमने विंडोज़ नीचे की, मस्त हवा आ रही थी, अमेजिंग सेलिब्रिटी बंगलोज वी वर वॉचिंग, एन्जॉइंग द सी ब्रीज, और लॉन्ग ड्राइव बढ़िया चल रही थी, गाने चल रहे थे, और गाड़ी जाके रुकी ताज लैंडसन के सामने. आई वॉज सो हैप्पी कि वाओ, ही इज़ टेकिंग मी ऑन अ डेट इन अ 5-star होटल लेट नाइट. हाउ रोमांटिक, इट्स सो ब्यूटिफुल. वहाँ पर खड़ी करने के बाद उसने बोला हाँ भैया इधर. तो मुझे लगा किसी वाले को बुला रहा है गाड़ी पार्क करने के लिए. सो देर वॉज अ गाय. सो संग्राम ऑलवेज न्यू कि मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है. तो देर वॉज दिस गाय ऑन अ साइकिल विद दैट ट्रिंग ट्रिंग थिंग, एंड ही वॉज सेलिंग दोज बूस्ट एंड बोनविटाज एंड कॉफ़ी इन दैट केटल.
वहाँ पे जाने के बाद ही ऑर्डर फॉर दैट कॉफ़ी, और वहाँ पे वो भैया को बोलता है ये बढ़िया कॉफ़ी मिलती है यहाँ पे। सो हम तीनों के लिए उसने कॉफ़ी ली एंड वी वर हैविंग दैट छोटा पेपर कप वाला कॉफ़ी इन द नाइट अराउंड 1:30 AM एंड दैट वॉज द बेस्ट कॉफ़ी डेट एवर। तो समझो कि ताज लैंडसन के सामने बैठ के साइकिल वाली कॉफ़ी हम पी रहे हैं, और वो जो कॉन्वर्सेशंस हुए थे दैट्स द मोस्ट मेमोरेबल आई फील। माई कॉफ़ी जर्नी बिगेन लॉन्ग बैक, लाइक वेन आई वॉज इन IHM अहमदाबाद, आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट दिस कैफे। सो टू स्टार्ट विथ, आई मोर देन कॉफ़ी आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन कैफेज, देयर एम्बियंस, देयर सर्विस, देयर द बरिस्ताज, देयर फ्रेंडली नेचर। आई ऑलवेज लव्ड गोइंग टू कैफेज। देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद होटल्स लाइक ITC, Sheraton, देयर ऑल्सो आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस टू नो अबाउट कॉफ़ी मशीन्स। When I became an actress, coffee was the only subject on the set because I used to drink coffee a lot. I used to try different brands of instant coffees, and later, like just few months back, I was an outsider to this coffee industry, but now I am in here. This industry has been so welcoming, so loving that I'm just loving this journey. It has, I feel like it's just started. What does coffee mean to me? Coffee is an escape from this real world to me.